ऐसा तो गुंडागर्दी हो गई है, ये तानाशाही हो रही है। इसका मतलब एक गरीब कहाँ जाएगा, अपनी सुनवाई कहाँ करेगा? दो चार लोग जो हैं वो नहीं सुनते हैं, डेली बस स्टैंड पर लगाते हैं। पहले भी एक दिन ऐसे ही इन्होंने थ्रेट मारा, इनकी रेडी पकड़ी, इन्होंने कहा रेडी छोड़ देंगे लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे, तो मैंने पर्चा भी दिया। आज रियासी में रेडी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, उन्होंने तहसील कार्यालय रियासी के बाहर धरना दिया, उसके बाद फिर बस स्टैंड में चौक पर धरना दिया, और उनके साथ ही जो युवा कांग्रेस के प्रधान और उप प्रधान हैं वो भी उनके समर्थन में आगे हैं, और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं युवा कांग्रेस के जिला प्रधान एडवोकेट अजय सलालिया जी, इनसे बातचीत करते हैं। अजय जी, क्या कहेंगे, आज नगर पालिका रियासी ने कार्रवाई की है कुछ रेडी वालों पर, उन्होंने धरना दिया था, प्रदर्शन कर रहे थे, आप भी उनके प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम गरीब के साथ हैं, गरीब जनता के साथ हैं, और गरीब के साथ जब जब जुल्म होगा हम वहाँ पर खड़े होंगे, हमारी टीम वहाँ पर खड़ी होंगी, हमारे लोग वहाँ पर आपको दिखेंगे। आपको क्या हमेशा गरीब लोग दिखते हैं? आपको हमेशा दिहाड़ीदार लोग दिखते हैं? आपको लेबर क्लास दिखती है? आपको वो लोग नज़र नहीं आते जो सरमायादार हैं, जो करोड़ों में हैं, जो लाखों में हैं? एक मजदूर जो 200-300 की दिहाड़ी कमाता है, उस 200-300 में वो अपना खर्चा निकालता है, अपने शाहूकार को पैसे देगा, अपने बच्चों को पालेगा, अपने घर का खर्चा चलाएगा, इनको वो नहीं दिखता? एक दिहाड़ीदार मजदूर आदमी अगर कोई काम करता है तो आप उसको दिहाड़ी नहीं लगाने देते? हम ये मांग करते हैं कि अगर कुछ ऐसा था भी तो आपको विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलना चाहिए था, कानून के जाब्ते के तहत चलना चाहिए था। आपको क्या हक है कि आप किसी मजदूर पे, किसी दिहाड़ीदार पे हमला करें? हमारे एक साथी को उन्होंने मारा भी, उन पर हमला किया, और बजाय इसके कि अपनी वो गलती को मानते उसके ऊपर FIR लगाई। ये हालत है इसकी, उसके ऊपर FIR लगाई, शर्म आनी चाहिए। इसलिए क्या मेरे एक ऑफिशियल से बात हुई है नगर पालिका रियासी से, उनका कहना है कि कल इनको जानकारी दी गई थी कि इस तरह से हम कार्रवाई करेंगे, और कुछ रेडी वालों ने ही शिकायत की है कि नीचे जब रेडियाँ लगती हैं तो ऊपर वालों का जो काम धंधा है काफ़ी इफेक्टिव होता है, खासा असर उस पर पड़ता है, जिसके बाद ही कार्रवाई की गई है। रेडी वालों का एक स्थान दिया गया है ऊपर, लेकिन उसके बाद बावजूद भी नीचे रेडियाँ लगाई जा रही हैं, तो उस पर कार्रवाई की गई। हम यही कह रहे हैं इनको रेडी वाले दिखे, इनको और कोई नहीं दिख रहा यहाँ पे। यानी कि आप आरोप लगा रहे हैं कि भेदभाव किया जाता है? हम कह रहे हैं भेदभाव किया जा रहा है। हम
कभी भी कतई इस चीज़ का सहमति नहीं देंगे कि आप गैर कानूनी काम को सपोर्ट करें। हम कभी ये नहीं कहेंगे। अगर कोई गलत था, अगर किसी को कसूरवार ठहराया गया था, अगर कोई निर्दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ कानून के जाब्ते के तहत कार्रवाई की जाती, ना कि उसके ऊपर डंडा चलाया जाता, ना कि उसकी रेड़ी तोड़ी जाती, ना कि उसके सामान को नुकसान पहुंचाया जाता, ना कि उस व्यक्ति विशेष पे हमला किया जाता। क्या ये जाब्ता था? क्या इस चीज का नोटिस था? इस चीज का नोटिस दिया था इन्होंने, निकाले नोटिस? एक ऑफिशियल का कहना है कि उन्हें भी चोटें आई हैं। मैं कह रहा हूँ कि नोटिस निकालिए आप, नोटिस देखिए, क्या ये नोटिस था कि आप रेडियो को तोड़ेंगे, आप सामान को नुकसान पहुंचाएंगे? आप वो दिन दूर अभी भूले नहीं है ये लोग, वो दिन अभी कुछ कल परसों की बात है, जब पिछले मैं ये बताना चाहूंगा, चेयरमैन साहब की जो मंशा है, चेयरमैन साहब की इंटेंशन उसी दिन क्लियर हो गई थी जब ये चेयरमैन बने थे और आते इन्होंने रेड़ियां जितनी भी थी यहाँ पे उनको नुकसान पहुंचाया, और उस रेड़ी का कोई मुआवजा नहीं दिया गया, उस सामान का कोई मुआवजा नहीं दिया गया, और अभी तक वो रेड़ियां भी इनको नहीं मिली हैं। वो पता नहीं कहाँ फेंक दी इन्होंने, क्या उसका नोटिस निकाला कोई? ये चेयरमैन साहब की इंटेंशन है कि वो गरीब जनता पे जुल्म ढाना चाहते हैं, क्या इसलिए नुमाइंदे चुने जाते हैं कि वो गरीब जनता पे जुल्म ढाए? नुमाइंदे चुने जाते हैं कि वो गरीब जनता की आवाज बने, वो गरीब जनता की नुमाइंदगी करें। अगर इनकी कोई प्रॉब्लम थी तो उनको हल करते, उनके साथ बैठते, अपने ऑफिस में बुलाते, अड्डे में बैठते, कोई दूर सा अड्डा क्या, यहाँ बैठते, रेडी वालों के पास बैठते, उनके साथ डिस्कशन करते, उनको पूछते कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या मुश्किलात हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको कोई काम करने में दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे लाइसेंस लीजिए। जिनको लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे उनको भी बताया जाता कि आपको लाइसेंस नहीं मिलेंगे, हमारे पास लाइसेंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, हम और नहीं दे सकते। कोई जाब्ता होता है, कोई कानून है, ऐसा तो गुंडागर्दी हो गई है, ये तानाशाही हो रही है, इसका मतलब गरीब कहाँ जाएगा, अपनी सुनवाई कहाँ करेगा? तो भेदभाव का कहीं ना कहीं आरोप लगाया है जो जिला युवा कांग्रेस के प्रधान है एडवोकेट अजय सलालिया जी, और अब हमारे साथ वो रेड़ी वाले हैं जिनका आरोप है कि उन्हें इस दौरान धक्का मुक्की के दौरान चोटें भी आई हैं, और उनकी जो रेड़ी है वो जब्त की गई है, और उनके सामान को भी नुकसान पहुंचाया गया, उन्हें खासा नुकसान हुआ है। क्या हुआ था, क्या हुआ था पूरा वाक्य, कौन कौन नगर पालिका रियासी से आया था, और उस समय पूरा वाक्य क्या हुआ? सर उस वक्त जब पुलिस वाले थे 3-4 और मदन जी थे, और उसके बाद जे अपने फारूक जी थे, और यही थे मेरे। मैं तो फिर रेडी में लगा रहा, मैंने बोला कि मुझे सामान अपना क्लोज करने दो, मैं ले जाता हूँ पीछे, भाई मैं पीछे लगा देता हूँ सामान, मुझे क्लोज करने दो। मैं कोई आज पहली बार नहीं रेडी लगा रहा हूँ, 2005 का काम कर रहा हूँ रियासी में, ठीक है ना। तो इन्होंने मुझे परमिशन या लाइसेंस, परमिशन है इनके पास, दी हुई है ना परमिशन इन्होंने, और ईओ साहब ने खुद कहा था, इन्होंने खुद कहा था चेयरमैन साहब ने कि रेड़ी पे छाता नहीं लगना चाहिए, आप चलती फिरती रेड़ी लगा सकते हो, चलती फिरती रेड़ी। हाँ तो जो इन्होंने बाकी रेडियो वालों को वो उन्होंने एक जगह पे खड़ी करके रखी हुई है। तो मैं, मेरी जे पहली बार रेड़ी नहीं तोड़ी है, 2018 में भी इन्होंने रेड़ी तोड़ी थी, मेरा कंडा टिफिन खाने वाला सब कुछ डैमेज कर दिया था, उस वक्त मेरा 20,000 रुपये का नुकसान किया। आज तो मैं 2000 कोरोना की वजह से मैं 8-9 दिन हुए मुझे काम करते हुए, ठीक है सर। तो 8-9 दिन में इन्होंने मेरी दोबारा रेडी भी डैमेज कर दी, और सामान मेरा जो लिया था मैंने वो भी इन्होंने तोड़ फोड़ दिया। अगर देखो ना, अगर कानून, इनका ये कहना है कि आपको ऊपर स्थान दिया गया है, उसके बावजूद भी आप नीचे रेडी क्यों? सर मेरी बात सुनो ना, एक मिनट मेरी बात सुनो आप। चेयरमैन साहब ने जे कहा था हमें, आप चलती फिरती रेडी लगा सकते हो, यानी कि रेडी आप देखो, हम सामान लेते हैं दुकान से, सामान लिया रेडी पे लगाया, मार्केट में बेचना या मोहल्ले में बेचना कोई जुल्म है क्या? जो जुल्म है अगर बता दो कोई जुल्म है तो फिर बता दो मुझे। आप क्या करेंगे? हम जो है इनका समर्थन करेंगे, और जो इनकी मांग होगी जब तक नहीं पूरी होगी तो हम म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन से जो रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारी मांग जो पूरी नहीं हुई तो हम आपस में सलाह करके आपस में एक रणनीति बनाएंगे और चेयरमैन साहब के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। शुक्रिया। मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, अंदर आप सामान की हालत देख लें कि किस तरह से इन्होंने सामान का नुकसान पहुँचाया है, इसकी भरपाई कौन करेगा, कौन जिम्मेवार है इस चीज़ के लिए, कौन भरपाई करेगा इन गरीब लोगों की जिनकी 200-300 रुपये धाड़ी है, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, अब ये दोबारा से रेडी बनाएंगे,
इनके पीछे घूमेंगे, यहाँ पे पैसे देंगे, वहाँ पे पैसे देंगे, और अपना का घर जो है वह राशन लेने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। कौन जिम्मेवार? मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ जनाब कि देखिए अंदर कि म्यूनसिपल कमेटी के अंदर जो है यहाँ पे रेडियो की क्या हालत बना रखी है, और मैं कहूँगा व्यक्ति की भी देखिए क्या हालत बना के रखी है, कितने मारपीटी पीट की है इनके साथ, आप रेडी देख लीजिए। तो भेदभाव का आरोप कहीं ना कहीं रेडी वाले और जो युवा कांग्रेस के प्रधान हैं वो लगा रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ लोगों पर ही कार्रवाई की जाती है, लेकिन बड़े जो लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जाती, जिन्होंने दुकानों के आगे अतिक्रमण किया हुआ है उन पर कहीं ना कहीं नगर पालिका कार्रवाई करती हुई नहीं दिखती है। नगर पालिका रियासी ने आज कुछ रेहड़ियों पर कार्रवाई की है, और कार्रवाई के दौरान वहाँ पे धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। रेहड़ी यूनियन के एक सदस्य का कहना है कि उनको कुछ चोटें भी इसमें आई हैं, और वही जो नगर पालिका के हेड असिस्टेंट हैं उनका कहना है कि उन्हें भी हल्की चोटें इसमें आई हैं। सर, क्या हुआ था पूरा मसला, कब आप बस स्टैंड में गए थे और क्या कार्रवाई आपने की है, और उस दौरान पूरा वाक्या क्या हुआ था? बात क्या हुई कि हमने कई बार अड्डे का चक्कर लगाया, लोगों को समझाया हाथ जोड़ के कि रेडियो ये नया अड्डा है, आपको जगह ऊपर दी गई है, आप वहाँ चलिए। तो जहाँ पर क्यों आप रेडियो लगाते हैं, जो आदमी ऊपर काम कर रहे हैं वो कहते हैं ये दो चार लोग नीचे ही सारा सामान बेच देते हैं, तो हमारे पास कोई गाहक नहीं आता है, तो वो कौन से पैसे देते हैं आपको, क्या करते हैं कि आप जो कंप्लेंट जो शिकायत थी वो ऊपर जो रेडियो लगते हैं उनकी तरफ उनकी भी थी। हाँ, और तो अड्डे से पहले ही इनको हमने जगह दी है जद ऊपर, और खुद मैं पहले ही हो रहा हूँ, और मैंने इनको खुद इनके लाइसेंस कहीं को परमिशनें दी हैं, और इनके लाइसेंस सबके न्यू किए हैं मैंने, हैं तो सब कुछ करने के बाद तो मैंने इनको बार बार हाथ झोले किए कि आप ऐसे करो, सब लोग ऊपर चले जाओ और मज़े से काम करो, ये रोज़ की धक्का मुक्की हम आपको उठाएंगे, आपका सामान ख़राब करेंगे, आप नीचे आएंगे, तो ये चलता रहेगा, ये क्या फ़ायदा इसका, जब जगह दी है आपको आप आराम से अपना काम करो, एक अच्छी मार्केट बनवाओ, आदमी वहाँ जाएंगे सामान लेने के लिए, अगर अड्डे पर नहीं मिलेगा तो वहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये दो चार लोग जो हैं वो नहीं सुनते हैं, डेली बस स्टैंड पर लगाते हैं। पहले भी एक दिन ऐसे ही इन्होंने थ्रेट मारा, इनकी रेहड़ी पकड़ी, इन्होंने कहा रेहड़ी छोड़ देंगे लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे, तो मैंने पर्चा भी दिया दिलवाया ईओ साहब से इन लोगों पर। कब पर्चा आज की बात कर रहे हैं? आज पहले की बात भी कर रहा हूँ, पर्चा पहले भी दिलवाया लेकिन पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज फिर ये कल मुहिम चलाई, कल हमें पुलिस नहीं मिली, तो फिर आज हमने रखा जे पुलिस, हमें पांच आदमी पुलिस लाई और जो अपना स्टाफ लेके गए, तो उन नीचे जो दो चार हमने कल बोल दिया इनको सबको कल का कि कोई आदमी रेडी नहीं लगाए, किसी का नुकसान हो गया तो हमें मत कहना कि हमारा नुकसान हो गया, इसलिए आज बोल रहे हैं यहाँ रेहड़ी मत लगाइए। लेकिन ये दो चार लोगों ने रेहड़ी लगाई और हम जाते ही उनको ट्रैक्टर लेके गए और उनका सामान उठाया तो हम दफ्तर में ले आए, तो दूसरा हम वो सब्जी वाले बाहर लगाए हुए थे उनके पास गए, मैं गाड़ी आती है तो ये लोग वहाँ आके धक्का मुक्की करने लगे, कहने लगे इनका सामान क्यों नहीं उठा रहे हो आप, मैं वो मूवमेंट थोड़ी ले लेना सारा सामान, एक गाड़ी छोड़ने जा रहे आती है हम खड़े हैं उठा लेंगे इनका भी, तो इनको आप मौका दे रहे हो तो धक्के मुक्के करके मारा पड़ गया ये लोग, पुलिस वाले देख रहे, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की हम पर। क्या चोटें आई हैं या सिर्फ हल्की धक्का मुक्की हुई? धक्का मुक्की आई, उन्हें सट्टें लगाई हैं मुझे अच्छी जोर से, बार बार से सट्टें लगाई हैं, अंदर सट्टें लगी हैं मुझे, ऐसी बात नहीं है काफ़ी, आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो बनी है उसकी, सामने नंगा नाच है इसमें क्या है क्या। तो एक चीज़ और कि जो उन्होंने आरोप लगाया कि जो दुकानों के बाहर सामान लगाया जाता है, यही आरोप उन्होंने लगाया था ना दुकानों का भी और रेडियो का भी, वो कुछ लोग आपके नगर पालिका रियासी के कर्मचारी पहले ही जानकारी दे देते हैं कि इस तरह से हम कार्रवाई अब करने जा रहे हैं, आप पहले ही भाग जाओ, तो ये आरोप आप पे है। और जो आपने भी बताया कि कुछ और भी लोगों का सामान बाहर था वो आपने उस समय नहीं उठाया, लेकिन कुछ ही रेडियो पर कार्रवाई की, ये आरोप है आप पर, इस पर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, हमें तीन रेडियां दिखी अभी, आज तीन रेडियां दिखी, एक सिरे से एक जगह से शुरू किया हमने कार्रवाई, तीन रेडियां दिखी हमने उठाई वो, तो फिर आगे चलने लगे तो इतनी देर में ये कार्रवाई हो गई। तो दुकानों का सामान भी बाहर होता है जो, वही तो उनके पास गए हम, वो कहने लगे इनको क्यों नहीं उठा रहे, मौका दे रहे, मैं गाड़ी अब एक ही है ट्रैक्टर है वो दफ्तर में छोड़ने गया एक एक ट्रिप, तो दूसरे आएगा तो इनका भी डालेंगे बीच में। तो अभी उन पे कार्रवाई की फिर दोबारा आपने? उनके अभी कर रहे हैं कार्रवाई, आए हम बना रहे हैं, हम FIR वगैरह बना रहे हैं, देंगे। हाँ, हमें खतरा है, कैसे काम करना, फिर ऐसे काम नहीं करेंगे हम। मदन जी का कहना है कि उन्हें खतरा है, इस तरह से काम नहीं किया जा सकेगा। तो हालांकि जो रेडी यूनियन के सदस्य हैं उन्होंने भी कुछ आरोप नगर पालिका रियासी पर लगाए हैं, लेकिन आज का जो पूरा वाक्या था, नगर पालिका रियासी के कर्मचारी मदन जी की अध्यक्षता में बस स्टैंड में पहुंचे थे और वहां पे रेडियो पर कार्रवाई इन्होंने की थी, जिसके बाद धक्का मुक्की भी देखने को मिली थी।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।